टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता गीत नया गाता। भारतीय राजनीति के दिग्गज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 6 दशक तक सियासत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा और 10 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। भारत रत्न से सम्मानित अटल जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी के लिए राष्ट्रहित हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल जी को छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरी रुचि रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजनीति का पाठ पढ़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पहली बार 1957 में जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। अटल जी के लिए सबसे बड़ा मौका तब आया जब इमरजेंसी के बाद 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उन्नीस में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। वे बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अटल जी 1980 से 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब 1984 में आम चुनाव हुए तो बीजेपी को महज 2 सीट ही मिली। इसके बाद भी अटल जी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। ये उनके करिश्माई नेतृत्व का नतीजा ही था कि 1984 में सिर्फ 2 सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने 1989 के चुनाव में 85 सीट जीतकर भारतीय लोकतंत्र में नया मुकाम हासिल किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार महज 13 दिन ही चली। 1998 में देश की जनता ने एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा जताया और बीजेपी 182 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई। ये सरकार 13 महीने तक चली। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते भारत ने 1998 में पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। ये एक साहसिक फैसला था। ये विश्व पटल पर एक नए और मजबूत भारत का उदय था और इसके अगुवा थे सबके चहेते अटल जी। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा 20 फरवरी 1999 को शुरू की और खुद पाक सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर किया। इधर अटल जी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों का मुखौटा ओढ़कर पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन भारत ने अपने जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस की बदौलत पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और कारगिल में विजय पताका फहरा दी।
वाजपेयी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि समाज के सभी तबकों में वे लोकप्रिय रहे। उनकी ओजस्वी कविताएं जोश से भर देती हैं। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।